हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल बी सॉल्विंग, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 जो कि WBCS 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि व्हेन डिड वास्को द गामा कम टू इंडिया। ऑप्शंस है 1498 AD, 1409 AD, 1496 AD एंड 1492 AD। तो ये है चार ऑप्शन जो दिए गए हैं कि वास्को डे गामा कब इंडिया आए थे। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि वास्को डे गामा है कौन। तो वास्को डे गामा बेसिकली एक पोर्चुगीज़, इनका जन्म पोर्तुगल में हुआ था, तो ये एक पोर्चुगीज़ नॉवल मैन थे जो कि बेसिकली एक्सप्लोरर, पोर्चुगीज एक्सप्लोरर भी आप बोल सकते हैं। तो ये पोर्चुगल से थे। तो इनका जन्म हुआ था 1460 को, 1460 AD में इनका जन्म हुआ था बर्थ, ठीक है। तो ये जब एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे, तो ये एक्सप्लोर करने निकले थे लिस्बन से निकले थे, और डेट था जुलाई के 8 तारीख को निकले थे, जुलाई 8, 1497। तो वहाँ जुलाई वो सब जहाज़ लेके निकले थे अपने। तो फिर ये केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका, ये सब कवर करके बेसिकली इनको, तो ये वहाँ से निकलते केप ऑफ गुड होप, ये सब साउथ अफ्रीका, ये सब कवर करके फिर वो वाटर वे से आके फिर वो इंडिया पहुँचे थे। तो वो इंडिया पहुँचे थे पहले, वो जहाँ पे पहले पहुँचे हुए, तो वो कालीकट में पहुँचे थे पहले, जो प्रेजेंटली आजकल उसको कोझीकोड भी बोला जाता है, जो कोझीकोड में पहुँचे थे। और वो पहुँचे थे 20 मई को, और सन था 1498 को वो पहुँचे थे, ठीक है। तो ये जो करने के बाद, तो वो पहले बोल सकते हैं कि वो पहला यूरोपियन वॉयज था जो कि इंडिया में आया था, और यही उनको क्रेडिट दिया जाता है कि वास्को द गामा का जो वॉयज था, पहला वॉयज, वो वॉयज के वजह से ही जो फर्स्ट सी रूट बिटवीन यूरोप के और एशिया के बीच में जो फर्स्ट रूट था, ये उन्होंने पहले डिस्कवर किया था। तो इस, और उसके बाद तो ब्रिटिशर्स आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आए, फिर देश पे कब्जा किया, फिर देश आते, वो तो बात का बात है, लेकिन दिस उसको क्रेडिट दिया जाता है कि ये सी रूट उन्होंने डिस्कवर किया था कि यूरोप और एशिया के बीच में। तो ये सब बैकग्राउंड के बाद आपको नचेली समझ आ गया कि जो वास्को डे गामा इंडिया आए थे, तो करेक्ट आंसर है 1498 AD, और वो तारीख था 20 मई 1498 AD में वो इंडिया में आए थे कलिकट में या कोझीकोड। तो ये था बैकग्राउंड जो आपके यूज़ किया, और फिर आपको आंसर मिला कि ये कैसे किया। तो इस बैकग्राउंड को याद रखें तो आपको बहुत हेल्प होगा कि आंसर निकालने में। अगर कोई दिक्कत हो आपको ये सॉल्व करने में या समझने में, या कोई भी ऐसा डाउट हो जो आपको झिझक रहा हो, समझ नहीं आ रहा हो कोई सी क्वेश्चन के रिलेटेड या कुछ भी पढ़ाई के रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग आपको हेल्प करेंगे जितने भी कोशिश कर सकेंगे कि हेल्प करने को आपको। थैंक यू वेरी मच।